हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डीआरएक्स मेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और ये वर्क कैसे करती है। लास्ट में आपको बताऊंगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो हमारी चेस्ट एंड कोल्ड टोटल टैबलेट है, इसका प्राइस लगभग हमारा 84 रुपीस है, जिसकी एक स्ट्रिप में हमारी 10 टैबलेट है और ये हमारी सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और जो इसके कॉम्पोजिशन देखे गए हैं, इसमें लिवोसेट्रिजिन, पैरासीटामोल और फिनाइल एफरिन है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट है, इसके क्या यूजेस है और डॉक्टर द्वारा कब प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको इसके यूजेस। ये मोस्टली जब प्रिस्क्राइब किया जाता है, अगर व्यक्ति को एलर्जी कंडीशन होने लगती है, जिसमें उसको कई बार कफ भी हो जाता है और कोल्ड भी हो जाता है, उसके वजह से उसको स्नीजिंग भी आने लगती है, मतलब छींके भी आने लगती है, कई बार उसके नाक से भी पानी बहुत आता है, आँखों से भी पानी आने लगता है और उसको ईचिंग भी होती है और उसे खांसी भी बहुत होने लग जाती है, तो उस सबको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस टैबलेट को। देखते हो कभी बार आपको रेस्पिरेटरी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे उसी को बताते नोज़ हो गया, थ्रोट हो गया आपका, जो गले में होता है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है। तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस टैबलेट को, जिससे आपकी जो भी स्नीजिंग हो गई या कफ हो गया हो, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, जो ओवरऑल देखा गया है, अगर आपको कफ हो गया या कोल्ड हो गया और आपको एलर्जिक कंडीशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस टैबलेट को। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ साइड इफ़ेक्ट जब आप इस टैबलेट को लेते हैं। तो जो इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, कभी कभार आपको माइनर हेडेक होगा और तो टायर्डनेस, जैसे थकावट सी फील होती है और नींद सी आएगी आपको, और आपका जो माउथ है वो सूखा फंसा होगा, ड्राई माउथ हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा कुछ लगे तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ जब आप इस टैबलेट को लेते हैं तो कैसे आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही आपको लेना चाहिए। जो ये टैबलेट है, अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा ही कोल्ड हो रखा हो और कफ भी हो रखा हो, जिसकी वजह से एलर्जी प्रॉब्लम हो रखी, जो रनी नोज हो, बहुत ही प्रॉब्लम हो, नाक से पानी, आँख से पानी आ रहा हो, तो वो दिन में 2 टैबलेट ले सकता है, एक सुबह और एक शाम, 18 साल से ऊपर व्यक्ति, और 12 साल से जो नीचे व्यक्ति है, मतलब बच्चे हैं, तो वो हाफ टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन 6 साल से नीचे बच्चे को बिल्कुल नहीं देना, उनके लिए अलग ही आती है, उनके लिए सिरप आता है और ड्रॉप आता है, लेकिन बच्चों के लिए टैबलेट दे सकते हो, अगर 6 साल से ऊपर हो तो दे सकते हो, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना। अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करती है टैबलेट। दोस्तों, जो ये हमारी टैबलेट है, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जिसके अंदर हमारा लिवोसेट्रिजिन, फिनाइल एफरिन और हमारा पैरासीटामोल होता है। जो लिवोसेट्रिजिन है, ये हमारे एलर्जिक कंडीशन को रोकने में हेल्प करता है, जैसे कि आपको रनी नोज, मतलब नाक से पानी आना, ईचिंग होना, रेडनेस होना, इन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और फिनाइल एफरिन ये हमारा डी कंजेस्टेंट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जो नोज होता है स्टफी हो जाता है बिल्कुल, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो उसको कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करता है। और पैरासीटामोल है, ये हमारा एक एनाल्जासिक और एंटीपायरेटिक होता है। आपने देखा होगा कभी कभार कोल्ड की वजह से आपको फीवर भी होने लगता है और बदन भी दर्द होता है, तो उन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो यही है कि ओवरऑल ये तीनों मिलके कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ जब आप इस टैबलेट को लेते हैं तो आपको कुछ सावधानियाँ जरूर रखनी चाहिए। सावधानियाँ में पहली बात तो आपको, अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और तो और प्रेग्नेंट लेडी या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, उनको भी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, यही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।